नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी की वन लाइनर सीरीज के अंदर, जिसमें रोज हम 100 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिनको अभी हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पहला सवाल देखिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, कौन से होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आपको बताना है कि ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती होगी। उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? उसकी पूर्ति होती है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, सही जवाब इसका कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल देखिए, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फूड, यानी आपको एक ऐसी प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें स्वपोषी जो है, ऑटोट्रॉप्स जो है, वो बाहर से कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थों का ग्रहण करते हैं और उनसे क्या है, फूड आइटम्स को बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस जानी जाती है फोटोसिंथेसिस के नाम से। और जो प्रोडक्ट्स बाहर से लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होती है, उनको क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, अब आपको पूछा है कि फोटोसिंथेसिस जो है, ये जो रिएक्शन है पूरी, अगर इसको एक केमिकल रिएक्शन की तरह देखें तो उसके रिएक्टेंट्स कौन कौन से होंगे? तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये दोनों इसके रिएक्टेंट्स हैं। और इसको किस किस की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है? प्रेजेंस इसको चाहिए एक सनलाइट, और दूसरा कौन सा होगा? क्लोरोफिल। और इसी तरह से अगर आपसे प्रोडक्ट्स पूछे जाएँ फोटोसिंथेसिस के, तो वो कौन से होंगे? ग्लूकोज होंगे और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है एटमोसफियर में। और सिमिलरली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? जो आपका प्लांट है, ग्रीन प्लांट, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। अगला सवाल हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसके बारे में बोला है कि वो क्या होती है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक रिएक्टेंट होती है, यानी कि हम जब रिएक्शन शुरू करते हैं तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिएक्शन के अंदर क्या पार्ट जो है यहाँ पे हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरी तरफ जो वाटर था, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? वाटर से। तो ये क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है या वाटर से, तो जवाब कौन सा होगा? वाटर। अगला है कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी यहाँ पे सनलाइट के बारे में बात करी गई है, उसको एब्जॉर्ब कहाँ पे किया जाता है प्लांट के द्वारा? उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक पिगमेंट की आवश्यकता होती है, और वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें अगर आप एनर्जी चेंज की बात करो तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? सबसे पहले आपके पास में लाइट एनर्जी होती है, यानी कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है, और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज, और वो फाइनली आपका स्टोर हो जाता है। देन टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स की सर्फेस है, जो पत्तियां हैं उनकी सर्फेस, सतह के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको बताना है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है स्टोमेटा। और जो लीव्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, जो पत्तियों से वाटर जो इवेपोरेट किया जाता है प्लांट के द्वारा, और वो केवल लीव्स में ही नहीं होता है, ये इवेपोरेशन लीव्स में भी होता है, स्टेम्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, इसे आप क्या कहोगे? ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको कौन रेगुलेट करता है? तो स्टोमेटा देखिए इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, ये बाहर किडनी शेप की जो सेल्स मैंने ड्रॉ करी हैं, ये दोनों सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स, और इनके बीच में ये जो स्पेस है ये होता है आपका स्टोमेटा। तो स्टोमेटा सिंपली क्या है? एक पोर है। ठीक है, और स्टोमेटा के बाहर सेल्स हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा जो है वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा गार्ड सेल्स, जो कि ये बाहर की तरफ जो शो कर रहे हैं वो है। स्टोमेटल पोर ओपन कब होगा? जब गार्ड सेल के अंदर क्या होगी? जब गार्ड सेल के अंदर स्वेलिंग जब गार्ड सेल की हो जाती है तो वो एक दूसरे से सेपरेट कर जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। और इसी तरह गार्ड सेल्स जब श्रिंक हो जाएंगे, जब सिकुड़ जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा? स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा कि स्टोमेटा जब ओपन होगा तब ट्रांसपिरेशन होगा, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा।
अगला सवाल है, आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, जो अपनी बॉडी के बाहर जो है फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं। अब आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होगा जो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं फूड का, और उसके बाद में सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है। लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर क्या होता है कि फूड मटेरियल जो है उसको सबसे पहले बॉडी के बाहर ही उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद में उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे होंगे कुछ फंगस, और वो फंगस कौन कौन से, ब्रेड मोल्ड्स हो सकते हैं जो आपकी ब्रेड है उसके ऊपर लगने वाला कॉमन फंगस, यीस्ट हो सकता है, या फिर मशरूम्स हो सकते हैं। तो जिस न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात करी गई है वो यूजुअली आपको देखने को मिलेगा फंगस के अंदर। अगला सवाल देखिए, अगला आपको बताना है अमीबा के बारे में। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिमिलरली आपको एक और ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, दोनों के दोनों अमीबा और पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाइड है, और ये भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर माउथ से लेकर के एनस तक की कंप्लीट जो ट्यूब है उसको अगर एक ही नाम अगर आपको देना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंटरी कैनाल। ओके, अगला है कि जो स्टमक की वॉल्स है, जो स्टमक है आपका, उसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये आपके HCl भी रिलीज करती हैं, पेराइट, इसके अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं जो HCl रिलीज करते हैं आपके। वही अगला सवाल पूछा गया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आखिरकार रिलीज क्या करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, पेप्सिन एंजाइम है उसको रिलीज करते हैं, और म्यूकस को रिलीज करते हैं। तो पेप्सिन तो हमें मालूम है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन डाइजेशन के अंदर है, ठीक है। अब म्यूकस का क्या फंक्शन है, तो म्यूकस देखिए ये जो आपका स्टमक है इस तरह से, अब स्टमक के अंदर HCl तो रिलीज हो गया है। अब HCl रिलीज होने की वजह से क्या होता है, स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको जो है डैमेज हो सकता है HCl की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस इन वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, पेप्सिन जो है, पेप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन आपकी बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा स्टार्ट होता है स्टमक में, क्योंकि स्टमक से पहले सिर्फ आपका माउथ होता है, और माउथ के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम रिलीज नहीं होता है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे देखिए इसके तो नाम में ही सलाइवा है, तो सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से रिलीज होगा, आपके सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवरी ग्लैंड आपके प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी में, यानी जब फूड जो है आपके स्टमक में पहुंचेगा उससे पहले ही सलाइवरी एमाइलेज जो है वो रिलीज हो जाता है। ओके, और सलाइवरी एमाइलेज का ही जो दूसरा नाम है वो कौन सा होता है, टाइलिन। ओके, अगला सवाल, ईसोफेगस के बारे में बोला है। ईसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो माउथ है उसको किससे कनेक्ट करती है, तो ईसोफेगस बेसिकली आपके माउथ को कनेक्ट करती है आपके स्टमक से। ओके, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे स्टमक। पहला स्टेप जो है डाइजेशन का क्या है, पहला स्टेप डाइजेशन का आप या तो इंजेशन भी बोल सकते हो। इंजेशन में हम क्या करते हैं, फूड अपटेक करते हैं, यानी कि भोजन को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं सबसे पहले। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंजेशन के अंदर भी पहला स्टेप जो क्या होगा, जैसे ही आपने एक भी निवाला अगर आपने मुंह में रखा तो आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको चबाना शुरू करते हैं। तो चूइंग और मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन चूइंग के लिए जो साइंटिफिक टर्म है, साइंस में अगर हम इसे बोलेंगे तो हम इसे मैस्टिकेशन बोलेंगे। तो चूइंग जो है वो आपकी पहली स्टेप होती है डाइजेशन की। मैस्टिकेशन से क्या होता है, जब आपने खाने को चबाना शुरू किया तो उससे क्या होगा, तो देखिए आपने जो एक रोटी का निवाला लिया अगर वो इतना बड़ा है तो चबाने से क्या हो जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और ये छोटे टुकड़े होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जैसे जैसे भोजन आगे जाएगा तो जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में वो आसानी से इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैस्टिकेशन का एक ही एम है, वो कौन सा है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। आपको ऐसे ग्लैंड्स के नाम बताने हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारे पास कौन से ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद में स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, बट वो देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर वैसे नहीं है। तो उसके बाद में आपका आता है लिवर, जिसमें आपका सिंथेसिस होता है बाइल का। फिर मेन आपका आता है पैंक्रियास। तो ये तीन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है हर्बीवॉर्स के अंदर, क्योंकि हर्बीवॉर्स क्या करते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको खाते हैं डायरेक्टली, और उनको खाने की वजह से क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, और वो केमिकल कौन सा है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो है उसको डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या ओवरऑल अगर आप इंटेस्टाइन बोलो तो वो ज्यादा लंबी होगी हर्बीवॉर्स के अंदर। लेकिन कार्निवोर्स के अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, और मीट को डाइजेस्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब बहुत सारे हर्बीवॉर्स ऐसे भी हैं जिनके स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम र्यूमेन बोलते हैं। अगेन उसका भी रीज़न सेम है कि सेलुलोज डाइजेशन के लिए टाइम रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ओवरऑल लेंथ ज़्यादा है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पूछे गए हैं आपसे अगले सवाल में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टमक आपका खत्म होता है, उसके बाद में आपका ड्यूओडेनम स्टार्ट हो जाता है, और ड्यूओडेनम के बाद में जो बहुत ही लंबी इस तरह से आपको ड्रॉ करी हुई होती है डायग्राम में पूरी, वो पूरी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला जेजुनम और दूसरा इलियम। तो तीन पार्ट्स जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं वो कौन कौन से हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। द साइट ऑफ कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, किसी का भी अगर आपको पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन आपको तीन तरह से पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली कि कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लीट डाइजेशन की आप साइट बताइए, प्रोटीन के लिए बताइए, फैट के लिए बताइए, सबके लिए आंसर जो है आपका एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अगला सवाल है कि आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इंजेशन जो है वो पहली स्टेप होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले खाने का इंटेक करते हैं हम, भोजन को अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, उसके बाद में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन जो है वो दो तरह का होता है आपका, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा एंजाइम्स की हेल्प से जो होता है वो। तीसरा होगा, जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लड के अंदर जो है जब ये डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसकी मदद से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस वजह से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नई सेल्स का फॉर्मेशन जो है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉडी से बाहर जो रिमूवल है उसको हम कहते हैं इजेशन। तो ये पांच स्टेप्स हैं, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। सबसे पहले आपकी कौन सी होगी, इंजेशन होगी, उसके बाद में डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन, और फाइनली कौन सी होगी, इजेशन। ओके, तो ये फाइव स्टेप प्रोसेस है कंप्लीट आपका जो डाइजेशन का है वो। आपको देखिए यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है कि प्रोटीन का डाइजेशन आपकी बॉडी में शुरू कहाँ पे होता है। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में, और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर क्या होता, कंप्लीट कोई भी चीज़ के लिए पूछा जाए आपको, हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस जो है, जो लिवर से सीक्रेट होता है, उसका फंक्शन क्या है? तो देखिए, स्टमक के अंदर हमने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टमक के अंदर जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद में जब फूड इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर डाइजेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे एल्केलाइन पीएच पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, यहाँ पे बीच में जो आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल प्रेजेंट है, वो बाइल जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है इन दोनों के बीच में, और ये बाइल आकर के क्या करेगा, जो मीडियम है उसको एल्केलाइन बना देगा। इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। फूड को एल्केलाइन बनाने से क्या होगा, जो आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स है वो आसानी से उस पर काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है कि एब्जॉर्प्शन जो है फूड का, जो आपके डाइजेशन की तीसरी स्टेप है, आपसे वो पूछा है कि वो कहाँ पे होती है। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ओके, और एक चीज़ अगर आपसे पूछी जाए यहीं पे एब्जॉर्प्शन के बारे में कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है आपके स्टमक के अंदर। ठीक है, ओके, और उसके अलावा अगर आपको नॉर्मली एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस जो है, बाइल जूस एक्ट्स ऑन विच कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो बाइल जूस का एक फंक्शन हमने पहले बता दिया, और वो कौन सा था कि बाइल जो है ये क्या करता है, एल्केलाइन बनाता है आपके जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है उसको। उसके अलावा जो है बाइल जूस का काम है फैट्स के ऊपर, ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बाइल जूस जो है वो फैट्स पे काम करता है। ठीक है, वसा पे कार्य करेगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उस पर बहुत ही फिंगर लाइक बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उंगली जैसे कई उभार होते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको इस तरह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल जो है वो दिखेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं विलाई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनको क्या बोला जाता है, विलाई। अब देखिए इनका काम क्या है, अगेन अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है, अब देखिए मान लीजिए अगर आपकी इंटेस्टाइन की वॉल इस तरह से होती है एक और दूसरी यहाँ पे जैसे विलाई की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे अगर आप सरफेस एरिया देखोगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, लेकिन अगर विलाई प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होने वाला है और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमने डाइजेशन से मिले हैं हमें, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएँ और ब्लड में पहुँच जाएँ, इसलिए सर्फेस एरिया इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विलाई के लिए अगर आपको फंक्शन पूछा जाए तो वो क्या होगा, इंक्रीज इन सर्फेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया को ये बढ़ाते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल यही पूछा गया है कि विलाई क्या करते हैं, इनका काम क्या है, क्यों है ये और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों है उसका रीजन तो क्या हो गया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और इसका काम क्या है विलाई का, कि ये सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं। How does food move through the digestive tract? अब देखिए सवाल ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि आपने ये तो बता दिया कि फूड जो है बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में जा रहा है, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर कोई वो मूव कैसे कर रहा है। तो वो मूव करता है, एक अलग तरह की मूवमेंट है, उसको अलग नाम दिया गया है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखिए अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके जो वॉल्स हैं उनके अंदर मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं, और उन मसल की वजह से पेरिस्टालसिस प्रोसेस जो है वो होती है, और फूड जो है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करता है। Lying down soon after eating a large meal can cause, अगर आपने बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया है, भारी भोजन करने के बाद में अगर आप जल्दी से लेट जाओगे तो उससे आपको हार्ट बर्न हो सकता है। हार्ट बर्न में बेसिकली क्या होता है, जो आपका स्टमक है, स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें गैसेस जो है वो स्टोर हो जाती हैं। तो देखिए स्टमक को मैंने हमेशा इस तरह से ड्रॉ किया, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो स्टमक का ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम मेंशन करते हैं अलग कलर से, देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ इसको हम बोलते हैं फंडस, ओके। और यहाँ पे जो है भोजन कभी नहीं आएगा, ग्रेविटी वगैरह, तो भोजन ज़्यादातर यहाँ पे इस जगह पड़ा रहता है, और गैसेस जितनी भी हैं वो सारी आपको ऊपर वाले कंपार्टमेंट में मिलेंगी, यानी यूजुअली फंडस में। अब यहाँ पे गैस जो है अगर बहुत ज़्यादा भर जाती है तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगी, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और डायफ्राम के ऊपर यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको दर्द हो रहा है हार्ट के आसपास, तो इसके लिए टर्म यूज़ करी गई है हीट बर्न। बेसिकली अगर आपने बहुत ज़्यादा भोजन खाया तो अगर गैसेस एक्यूमुलेट हो गई हैं तो हो सकता है उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो। इंटेस्टाइनल हेल्थ इज बेस्ट मेंटेन बाय, अगर आपको इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल की हेल्थ देखनी है तो हेल्थ से यहाँ पे क्या मतलब है, एलिमेंट्री कैनाल के आपकी जो दो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है वो आपकी होती है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है एक फाइबर डाइट से। अगर आपकी डाइट में फाइबर्स जो हैं वो आप इंक्लूड करते हो, फाइबर्स वाले फ्रूट्स को आप खाते हो, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, ओके। अब आपको बताना है कौन सा एंजाइम है वो लैक्टोज को ब्रेक करता है। तो एंजाइम्स में सबसे अच्छी बात यही है कि मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं उनके लिए एक सफिक्स यूज़ हम करते हैं जो कि होता है एज। तो अगर आपको ऐसा कभी एग्जाम में सिचुएशन आ जाए कि आपको नहीं मालूम है कौन सा एंजाइम है, तो आप ये एक जो है तो कमार सकते हो जिसमें एज प्रेजेंट हो, और वो नाम होना चाहिए जिसके ऊपर आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। जैसे माल्टोज के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, माल्टेज। इसी तरह से लैक्टोज के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट विल बी लैक्टेज। अगला आपसे पूछा है कि एंटेरोकाइनेज नाम का कोई कंपाउंड है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है पैंक्रिया से जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम रिलीज हुआ है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन के आगे जन है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है तो ये प्रोटीन पे काम नहीं कर पाएगा, और इसका काम क्या है कि इसको प्रोटीन को आगे और ब्रेक डाउन करना है, तो इसको एक्टिवेट करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक्टिव इसको कौन बनाता है, इसको एक्टिव बनाता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज है, वो एक थ्री कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका है पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड, और ये रिएक्शन जो है टोटली 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। आपको बतानी है इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन जो है पूरी
यानी कि अगर या फिर अगर हम कहें ये पूरा जो पाथवे है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है? सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पाइरूवेट जो है अगर वो उसका कन्वर्जन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को अब हम ग्लाइकोलाइसिस नाम नहीं देंगे, इसको हम फर्मेंटेशन या फिर एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन नाम देंगे। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये दोनों ही प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, ये आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं उनका आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन आपके पास में है या फिर नहीं है। फर्मेंटेशन के बारे में पूछा है कि फर्मेंटेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक का सिंपल मतलब क्या है? एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम आपको बताना है तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब ईएमपी क्यों जाना जाता है उसका भी एक रीज़न है। ई फॉर एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि है एम्डन, एम फॉर मेयरहॉफ और पी फॉर पार्नस। तो ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी करी थी, और इनके नेम्स के बेसिस पे हमने इसको एक और नाम दे दिया है जो कि है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि इसके लिए कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है जिसको हम शुरू करते हैं ग्लूकोज से, और हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पाइरूविक एसिड होता है, कुछ एटीपी होती है और कुछ एनएडीएच मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अदर देन पाइरूवेट। पाइरूवेट के अलावा जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? दो मॉलिक्यूल आपके पास एटीपी होते हैं और दो आपके पास प्रेजेंट होते हैं एनएडीएच। ओके, आपको बताना है एक कनेक्शन दैट अकर्स बिटवीन बोन्स इन द स्केलेटन सिस्टम। अलग अलग बोन्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको आप किस नाम से बोलोगे? उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉइंट्स। ठीक है, अब आपको बताना है वो जॉइंट का टाइप जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये जो जॉइंट का टाइप है ये आपके होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्कल के अंदर जहाँ पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको इमूवेबल या फिर फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोला जाता है। यानी निचोड़ इसका यही है कि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम याद रखेंगे वो याद रखेंगे स्कल बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्कल बोन्स जो हैं वो जब अटैच होती है, तो जैसे मान लीजिए ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो वो इस तरह से अटैच होती हैं। तो इसी के लिए एक और नाम भी यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं सूचर्स नहीं यूज़ करते हैं, सॉरी वन सेकेंड। इतना याद रखना है आपको कि फाइब्रस जॉइंट का जो एग्जाम्पल है, बट वो जॉइंट इस तरह से होती है, यानी कि इस तरह से जिगजैग, और वो फ्यूज़ हो जाती है जो दोनों बोन्स हैं। अगर आप देखोगे ये और ये वाली बोन, तो जॉइंट वाली लोकेशन के ऊपर ये फ्यूज़ हो जाती है। ओके, द पार्टली मूवेबल जॉइंट्स आर, ऐसे जॉइंट्स का नाम बताना है आपको जिसमें थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, कंप्लीट मूवमेंट तो नहीं है, पार्टली मूवेबल है वो। उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, और सबसे कॉमन जॉइंट्स जिनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपको एग्जाम्पल बताना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबको याद होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर में प्रेजेंट है, और सिमिलरली शोल्डर जॉइंट के जैसा ही जॉइंट आपको ढूंढना है आपके लोअर लिम्ब के अंदर, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे आपका लोअर लिम्ब आपके जो मेन स्केलेटन से अटैच हो रहा होगा वो होगा आपका हिप जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ये आपका सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कराने वाला जॉइंट जो है वो यही है। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल्स द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इन टू, जब आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन कम होता है, तो जो पाइरूवेट है उसका कन्वर्जन किस में होता है? उसका कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और ये लैक्टिक एसिड ही है जिसकी वजह से आपकी मसल्स जो है वो सोर हो जाती हैं, जिनमें पेन होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में। तो बेसिकली अगली बार अगर आपको पेन हो तो आपको क्या याद रखना है कि मसल्स में हुआ है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो पाइरूवेट था जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बना था वो अब कन्वर्ट हो गया है लैक्टिक एसिड के अंदर। बहुत ज़्यादा आंखों की अगर एक्सेसिव ब्लिंकिंग करी जाती है तो आईज के अंदर भी पेन होना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अगेन मसल्स हैं आई के अंदर भी। ठीक है, उन मसल्स में आपका अगेन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, विच इज द रीजन ऑफ पेन।
दो फुल फॉर्म्स यहाँ पे आपको दी हैं एटीपी। एटीपी के फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके अंदर जो फॉस्फेट हैं तीन फॉस्फेट अटैच्ड हैं, और एडिनोसिन डायफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट जो है एटीपी का वो रिमूव हो जाता है तो फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी का। अब ये तीनों जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, तो जब कभी भी एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा फॉस्फेट का तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फिक्स अमाउंट में जितनी उस बॉन्ड में होगी, और वो एनर्जी जिस भी एक्टिविटी के अंदर वो एटीपी यूज़ हो रही है वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। इसी तरह जो आपका एनर्जी करेंसी है बॉडी का दैट इज़ एटीपी। बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा है? बिजिएस्ट ऑर्गन है आपका हार्ट, बिजिएस्ट मसल थी आपकी आई के मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड। आपको हिंज जॉइंट का एग्जांपल बताना है, तो हिंज से आपको सिंपली याद रखना है जो डोर के हिंजेस होते हैं आपके, जैसे आपकी ये वॉल है उसके जो डोर अटैच होता है वो सिर्फ इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा इस तरह से ओपन नहीं हो पाता है डोर कभी भी, ठीक है। तो हिंज जॉइंट आप इस तरह से याद रखेंगे, जैसे आपका एंकल जॉइंट्स है, जैसे इसी तरह आपका एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये सारे आपके हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे आप एल्बो अगर देखोगे तो एल्बो का फिक्स्ड मूवमेंट सिर्फ इतना ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप उसको और नीचे की तरफ ले जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक डोर से। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? तो ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। तो ट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये दोनों तो किस पे ऐड करते हैं? प्रोटीन्स पे ऐड करते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज आपको पता चल रहा होगा लिपिड्स पे ऐड करेंगे, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड पे ऐड करेंगे, और अमाइलेज अगेन जैसे आपका सलाइवरी अमाइलेज था वैसे आपका पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो स्टार्च पे ऐड करेगा। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एल्कलाइन क्यों होता है? तो एक तो बाइल ने इसको एल्कलाइन तो इंटेस्टाइन को बनाया होता है जो फूड स्टमक से आ रहा है उसको, बट पैंक्रियाटिक जूस खुद में भी एल्कलाइन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो कैसा होता है? एल्कलाइन। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो आपके इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में रिलीज होता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है डुओडेनम में, क्योंकि इंटेस्टाइन का पहला पार्ट वही है। अपेंडिक्स किसका पार्ट है? तो अपेंडिक्स सीकम का पार्ट है, और सीकम अगेन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो हो सकता है आपको सीकम ना दे के डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन दे। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी है, यानी कि एट प्रेजेंट अपेंडिक्स का अप में कोई भी रोल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, यूजुअली जब अपेंडिक्स का पेन वगैरह होता है उसमें, तो अपेंडिसाइटिस जब हो जाता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो सर्जिकल रिमूवल जब किया जाता है अपेंडिक्स का, उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं अपेंडिसेक्टमी या फिर अपेंडेक्टमी। ये दो नाम है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स की। और अपेंडिसाइटिस जब किसी को होता है तब क्या होता है, आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है एक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा जो पेशेंट है उसको, पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, और उसके साथ में वॉमिटिंग। तो ये तीन साइंस होते हैं जो हम बताते हैं कि अपेंडिसाइटिस जब होता है तो ये तीन साइंस यूजुअली पाए जाते हैं उस पर्सन में। पाइवेट जॉइंट अब आपको बताना है क्या होता है। पाइवेट जॉइंट में कुछ नहीं होता है, आपका एक एक्सेस होती है, उस एक्सेस के ऊपर दूसरा जो है वो मूव करता है इस तरह से। जैसे आप अगर अपना नेक देखोगे तो नेक के अंदर एक एक्सेस प्रेजेंट है, पीछे आपकी जो वर्टीब्री हैं उनके अंदर, उस वजह से आपकी नेक जो है एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इसी तरह साइड वाइज मूव कर सकती है, ठीक है, और इस तरह से आप उसको रोटेट कर सकते हो, पीछे और नहीं लेके जा सकते, दैट इज पाइवेट जॉइंट। ये आपका प्रेजेंट होता है नेक के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपके यस और नो पे आप जो मूवमेंट करते हो अपनी नेक का, यस पे आप इस तरह से और नो पे ये, तो ये मूवमेंट जो है वो कौन से आपके जॉइंट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इनके पीछे जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है वो आपका होता है पाइवट जॉइंट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग जब मूवमेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसी तरह से अगले में बोला है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं केवल, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे वो क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर दो एडिशनल चीज़ें आपको याद रखनी है, मूवमेंट तो वही होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। ओके, तो ऑस्मोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस बताया दैट इज नॉट करेक्ट। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके यहाँ पे बता सकती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपके दो चैम्बर्स प्रेजेंट है, ओके, और ये दोनों सेपरेटेड है बीच में, जो मैंने डार्क ड्रॉ किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका। दोनों तरफ आपने सॉल्ट ऐड किया है, वाटर का अमाउंट सेम है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पे आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया है,
तो यहाँ पे सॉल्ट जो है आपका क्या है, वो सोल्यूट है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की, तो हमें ये ध्यान देना है कि सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका कहाँ होगा, जहाँ पे नमक कम है सॉल्वेंट ज़्यादा वहीं पे होगा। तो सॉल्वेंट ज़्यादा यहाँ पे है, तो फाइनली जो वाटर है वो मूव करेगा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के ऊपर। और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, तो जैसे जैसे वाटर मूव करेगा इधर, तो ये वाला सोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट होता जाएगा, तो तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए। तो मूवमेंट तो हाइयर कंसेंट्रेशन से ही लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही होगा, बट प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। एक्टिव डिफ्यूजन आपको बताना है, एक्टिव डिफ्यूजन जो है, एक्टिव कहीं पे भी आ जाता है, वहां पे क्या मतलब है एक्टिव, मतलब आपने एक्टिवली कुछ किया है, आपने वहां पे एनर्जी लगाई है अपनी, आपने अपनी एटीपीज दी है, अपनी बॉडी ने एटीपी खर्च करी है वहां पे, तो एटीपी जहां कहीं भी लगेगी वो प्रोसेस जो है, या फिर एक्टिव कोई भी प्रोसेस है, वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी वो कम जो जहां पे कंसेंट्रेशन है वहां से ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज राइट, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एक्टिव डिफ्यूजन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है, आपको अलग से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि ये प्रोटीन, ऐसे मान लीजिए एक गाड़ी है यहाँ पे, उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो मॉलिक्यूल जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। कंसनट्रेशन की आपको यहाँ पे कोई फिक्र नहीं करनी है, कंसनट्रेशन हम सिर्फ देखेंगे एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर मूवमेंट होगा अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और इसको भी गाड़ी की जरूरत होगी प्रोटीन की, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में गाड़ी की जरूरत होगी, कंसनट्रेशन के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। तो हम सिर्फ यही बोलेंगे कि अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, इसको जरूरत किसकी होगी लेकिन, कैरियर प्रोटीन्स को, तो कैरियर प्रोटीन्स आपके फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, एटीपी किसके लिए जरूरी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होगा वो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एक्टिव में क्योंकि हमने एटीपी खर्च करी है तो वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। एटीपी देखिए वही क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत होती है। अगला, सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स जो है आपकी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आपको बताने हैं एडल्ट के अंदर कितने होंगे, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं अगर आप विजडम टीथ को इसमें इंक्लूड कर लो, क्योंकि अभी जो है इस टाइम पे देखा जाए तो विजडम टीथ जरूरी नहीं है सबके अंदर सारे के सारे आ जाए, ठीक है, बट स्टिल हम 32 ही काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ्स को। चार तरह के दांत आप में जो है वो कौन कौन से, हमारे जो दांत हैं वो इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार तरह के दांत हमारे में प्रेजेंट होते हैं। अब विजडम टीथ कौन से हैं, जो तीसरे नंबर के जो मोलर्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2-1-2-3/2-1-2-3। तो ये 2-1-2-3 एक्चुअली क्या है, अगर आप एक चौथाई लोगे अपने जबड़े का, ठीक है, या फिर एक जबड़े का हाफ हो जाएगा, टोटल का 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 के अंदर जितना इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर का जो नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2-1-2-3 से। तो अगर मैं मेरे अपर जॉ का इतना पार्ट लेती हूँ, राइट वाले का सिर्फ, ठीक है, तो उसमें मेरे पास मेरे दो इंसिजर हैं, एक केनाइन है, दो प्रीमोलर हैं और तीन मोलर हैं। अब देखिए ये जो तीन मोलर हैं इसमें जो आखिरी वाला मोलर है उसको हम अक्कल दाँत के नाम से जानते हैं, ओके, इसे हम कहते हैं जो थर्ड मोलर है आपका तीसरा, दैट इज योर विजडम टीथ। टोटल नंबर ऑफ मोलर कितने होते हैं आप में, अगर आप विजडम टीथ को ही मिला लो, तो अब देखिए कितने में अगर तीन मोलर हैं तो तीन को हमें सिंपली क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल मोलर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सिमिलरली प्री मोलर कितने हो जाएंगे, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से अगेन, तो आपके 8 हो जाएंगे। सिंपल है, कोई भी अगर आपसे पूछे टोटल कितने होंगे 2-1-2-3 में, जो भी आपसे पूछे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ऐसा आपको कौन सा दांत है जो आपके चारों है, जो टीयरिंग ऑफ फूड में काम में आता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज उनमें होगा जो कार्निवोरस एनिमल्स है, जो मीट खाते हैं, तो उनमें जो केनाइन्स होते हैं, केनाइन्स ये आपके जो साइड वाले थोड़े नुकीले दांत होते हैं, दोज आर केनाइन्स, तो वो काम में आते हैं आपको फूड की टीयरिंग में। ह्यूमन बींग्स का डेंटिशन किस तरह का, हमारे अंदर डाइफायोडोंट डेंटिशन है, इसका क्या मतलब है, हमारे दांत दो बार आते हैं, तो दो बार जो दांत आते हैं आपके, जैसे पहले बोला जाता है कि शुरू में जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं, या फिर दोज आर टेम्प्रेरी टीथ, और उसके बाद में वो सारे गिर जाते हैं, उसके बाद में फिर से परमानेंट टीथ आते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइफायोडोंट डेंटिशन, या फिर दो बार दांतों का आना, ओके।
अगला आपसे पूछा है कि ह्यूमन स्पर्म जो है, ह्यूमन स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपको ह्यूमन स्पर्म पूछा जाए चाहे आपको ह्यूमन ओवम पूछा जाए, दोनों के अंदर जो टोटल नंबर जो दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं, स्पर्म में 23 और ओवम में 23, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो जायगॉट बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे, जो कि आपके एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। अगला आपसे पूछा है कि एयर पोल्यूशन का आपको इंडिकेटर बताना है, तो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेन को बोला जाता है, तो लाइकेन अगेन किस कौन से दो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है, एल्गी, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है फंगस। अब ये क्या करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे जो लाइकेन है वो कम ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। कौन सा आपका ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ से आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उनका कंट्रोल होता है, या फिर जो आपके हाइएस्ट सेंटर हैं रेस्पिरेशन के वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा में। मेड्यूला ओब्लोंगेटा आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। ब्रेन के जैसे पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम है, सेरिबेलम, पॉन्स है, मेड्यूला है, तो इसी तरह से जो हाइएस्ट सेंटर है आपके रेस्पिरेशन का, सिमिलरली आपके जो सर्कुलेशन है आपका उसका भी हाइएस्ट सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। अगला आपसे पूछा है कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो था वो किससे संबंधित था, ब्लू रिवॉल्यूशन आपकी जो फिशेस थी मत्स्य पालन जो है उससे रिलेटेड था। कौन सा टेस्ट है जिससे आप कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हो, तो कैंसर का डायग्नोसिस यूजुअली देखिए जैसे ये अगर कैंसर प्रेजेंट है यहाँ पे, या फिर जैसे कैंसर में सिंपली क्या होती है सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, तो सिंपली बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में इसका एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर बाद में उसको स्टडी किया जाता है, तो यही एक जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट यही है। उसके अलावा कुछ कभी कभी कुछ ऐसे आपके ट्यूमर्स होते हैं जो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं उनको यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आंसर देंगे बायोप्सी, ओके। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ा जाता है, और टॉक्सिन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स। किसकी स्टडीज रिलेटेड है टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन्स की, टॉक्सिन्स माने पॉइजन। यूकैलिप्टस जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, तो यूकैलिप्टस भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने सिकोया की बात करी थी वहाँ पे रेड यूकैलिप्टस भी आपके नंबर में आते हैं, तो मीजो हिल्स जो है मिजोरम के अंदर वहाँ पे आपके यूकैलिप्टस ट्रीज काफ़ी पाए जाते हैं। बायोडीजल जो है, तो बायोडीजल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनसे हम ये फ्यूल ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपका जट्रोपा होता है, यूफोर्बिया होता है, तो ये कुछ प्लांट्स जो हैं वो यूफोर्बिएसी फैमिली जो है इससे बिलोंग करते हैं। यूफोर्बिएसी एक प्लांट्स की फैमिली का नाम है, तो ये जो प्लांट्स हैं जिनसे बायोडीजल ऑब्टेन होता है ये यूजुअली इस फैमिली के होते हैं। आपको बताना है आपके ह्यूमन ब्लड में कितना अमाउंट जो है वो प्लाज्मा का है, तो आपके ह्यूमन ब्लड में 55% जो है वो प्लाज्मा का बना हुआ है आपका ब्लड, और 45% उसमें जो है ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। हमसे पूछा है प्लाज्मा का, आंसर विल बी 55%। जो मेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो क्या खाता है, क्योंकि हमें मालूम है फीमेल एनोफिलीज तो ब्लड जो है खून चूसती है फीमेल एनोफिलीज और मलेरिया फैलाती है, बट मेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो सीधा बंदा है, वो क्या करता है नेक्टर पे डिपेंड करता है, फ्लावर जूस जो है उसको खाता है, ठीक है, वो खून नहीं पीता है। अ हार्ट रेट ओवर 100 पर मिनट इज नोन एज, अगर हार्ट रेट जो है वो 100 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टेकीकार्डिया, और इसी तरह 60 पर मिनट से कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। तो टेकी और ब्रेडी को रिवर्स नहीं करना है। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल के अंदर आपके जो हार्ट चैम्बर्स हैं जैसे आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं, इस तरह से अगर ये हार्ट बनाए, अगर आपसे किसी ने बोला एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल का क्या मतलब होगा, आपके जो दोनों एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी मसल्स। सिमिलरली आपसे किसी ने बोला वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल वो दोनों रिलैक्स कर रहे हैं इस टाइम पे। तो सिस्टोल इज सिंपली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ओके। आगे देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, हम कोई ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, जैसे मान लीजिए डीएनए है, अब इसके अंदर से हमें कोई छोटा सा पार्ट ये रिमूव करना है और यहाँ पे हमें कोई नया डीएनए अगर लगाना है,
ठीक है, या फिर सिंपली अगर यहाँ पे आपको कोई और डीएनए जोड़ना है जो कि इस ऑर्गेनिज्म का नहीं है, हमने कहीं और से लिया है, तो ये फाइनली जो टोटल डीएनए होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया है, कुछ और ऐड करके हमने इसे बना दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह के मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको और क्या बोला जाता है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमने पिग्स बनाए हुए हैं, रैट्स हैं बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनाए हुए हैं। लिगामेंट्स आपके किसको ज्वाइन करते हैं, लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं, और इसी तरह टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स जो आपकी मसल्स होती हैं इस तरह से उसके फाइनली जो अटैचमेंट्स होते हैं वो होते हैं, और ये अटैचमेंट फाइनली जाके अटैच होता है बोन के ऊपर। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, टेंडन ने एक मसल को एक बोन से अटैच कर दिया। ठीक है, ये आज के 100 MCQs यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।